पूजा अपने घर खुश से रहे, खुशहाल रहे। सबका कमेंट यही था कि मायके कब तक रहोगी, तो अब अपने ससुराल चली गई। छोटी बच्ची थी तो कुछ दिन सोचे थे कि और रखेंगे उसको, लेकिन कुछ लोग के कमेंट से या कुछ अपने लोग को मानने से वो चली गई। लेकिन कोई बात नहीं है, उसका घर है तो अपना घर तो रहना ही चाहिए, कितना दिन माँ बाप रखेगा। तो आप लोग शायद जानते होंगे गुंजा को। गुंजा का बैग चोरी हो चुका है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और ब्लॉग के लास्ट में मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसको आप लोग मजबूर हो जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए। और गाइज, अभी आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज नागपंचमी था, और बहुत दिनों से खाना भी हम ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। मम्मी आएंगी, थोड़ा सा बनाएंगी, तड़कता भड़कता तो मिलेगा। अभी खाना अच्छा नहीं मिल रहा है एकदम। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं, आज पूजा भी हुआ है, और आज नागपंचमी का आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। सब लोगों के घर में तरक्की और सब लोग कुछ हो। पर ऐसा आज बात ही हो गया है कि आप लोगों को वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और महादेव आप सब पे हमेशा कृपा बनाए रखें और सभी लोगों को हमेशा खुश रखें। अभी मैं पी रहा हूँ, देखिए क्या जूस, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, खाना जो है वो उतना अच्छे से मतलब नहीं लग रहा है, और मन भी नहीं कर रहा था। अब देखते हैं मम्मी जैसे आ जाती हैं उसके बाद से बैठ के अब मस्त खाएंगे। और एक और रीज़न है, रीज़न ये है ना कि अभी और बचा हुआ है 7-8 दिन। गाइस अब हम थक चुके हैं, मैं समझा, छोड़िए आप लोग शायद समझोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। और ये बात बता देते हैं कि मम्मी का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। हम रहते हैं तो थोड़ा सा उनको आसानी रहता है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बात करते रहते हैं, पर अभी अकेले में बैठ के कंटिन्यू रोए जा रही हैं। लगभग 5 घंटा से भी ज़्यादा हो गया रोते 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 रोते। अब देखिए आप लोग खुद देखिए, और आप लोग खूब सारा कमेंट कीजिए और उनको समझाइए कि यही रीत है, जो है वो सच है। तो चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे महादेव की शिव मंदिर है। सो गाइस ये सुबह का फोटो देखिए कितना सुंदर है।
गाइस, तो हम लोग घर से लाए थे खाना, पूजा हम दे थे और सब लोग के लिए आया है। तो यहाँ आया इसमें तो पहले एक पूरी सुबह नाश्ता कर लिया है, पूरी और भुजिया, बहुत सारा पूरी है, ज़्यादा खाना मिला। और ये तो यहाँ रात के लिए रोटी है, पराठा रोटी, और इसमें आलू का सब्जी है, चावल। चावल तो सुबह हम उठ के जल्दी से बैठा दिए हैं, क्योंकि रात भर कोई समझ नहीं पाया था, सबके लिए चावल बना दिए थे, सब लोग लेके आया है चावल और पूरी रोटी। क्योंकि 3 दिन का सफर है तो 3 टाइम का खाना 4 टाइम का आ गया है, अब इसमें हम लोग खा लेंगे। कैसा लग रहा है खाना? सफर में जाओ और घर के खाना रहता है तो अच्छा लगता है। अब तो आज खा लेंगे, लेकिन कल से तो खरीद के खाना है। इसमें क्या है कि एसी है, इसलिए थोड़ा खाना खराब होने का चांस नहीं है। बस ज्यादा हो जाएगा मेरा, इतना दे दिए। मिर्चा का अचार है, हम भुजिया, ये निकाल रहे हैं वीडियो का, हम ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो देखिए पता नहीं कौन सा जगह है जी। हेलो, मैं फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज सुबह हो गया, सुबह का 9 बज रहा है, तो उठे ना और फ्रेश हुए हैं सब लोग, ब्रश कर लिए और यहाँ पे मिला है चाय, अच्छा भी नहीं लग रहा, लड्डू और लाडू भी ना, तो दोनों बच्चे वो खिला रहे थे तो अच्छा लग रहा था। अब घर जाकर फिर अकेले रहना है, यही है ज़िंदगी। और खाना हम लोग लेके आए थे, जो खाना यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं वो आप लोग को दिखा रहे हैं कि क्या क्या लाए हैं खाना। मैं तो बैठी जमाती घर रह नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मुझे अपना घर देखना है और पूजा को अपना घर, तो पूजा सही सलामत से रहे, अपने बच्चे को केयर करें। मुझे कहीं दुख भी हो रहा है कि इतने छोटे बच्चे लेकिन मैं छोड़ दी। हाय गाइस, तो अभी हमारे पास मिली है एक सब्सक्राइबर, जो हम इस ट्रेन में बैठे हैं, इसी बोगी में मेरी पास साथ है और हम लोग एक साथ ही चल रहे हैं। तो पहले देखी है वो तो नहीं, वो समझिए कि पता नहीं वो लोग है कि नहीं है। हाय बोलो, डेरी आंसून से है ना। यहाँ पे चाय है और ये मिक्सचर है, तो थोड़ा सा खाएंगे लोग। अभी वो गए हैं पूजा के ससुर के पास थोड़ा मिलने, और रात में भी कई बार गए हैं मिलने, तो सब लोग अच्छे से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको खाना पीना भी अलग अलग मिला था, उन लोगों को भी, सब लोग का अलग, हम लोग का अलग, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है किसी को। और अभी इस समय तक का भी खाना है, तो देखते हैं ख़राब नहीं होगा तो वही खाएंगे लोग, नहीं तो देखेंगे। इसमें कैंटीन नहीं है, तो जहाँ रुकेगी वहाँ लेंगे लोग खाना पीना। चलिए, पूजा अपने घर खुश रहे, खुश आ रहा है, सबका कमेंट है इतना कि मायके कब तक रहोगी, तो अब अपने ससुराल
चली गई, छोटी बच्ची थी तो कुछ दिन सोचे थे कि और रखेंगे उसको, लेकिन कुछ लोग के कमेंट से या कुछ अपने लोग को मारने से वो चली गई। लेकिन कोई बात नहीं है, उसका घर है तो अपना घर तो रहना ही चाहिए, कितना दिन माँ बाप रखेगा। यही थोड़ा मोह लग रहा है, छोटा बच्ची है उसके साथ, अब कोई देखने वाला नहीं है, उसका हस्बैंड है तो जब भी जॉब करते हैं और वो घर देखेगी कि बच्चे को संभालेगी। लेकिन ठीक है, सब बोझ अपने रखना चाहिए, अपने जिम्मेदारी अपने रखना चाहिए, तो उसी तरह पोस लेगी बच्चे को। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, देख रहे हैं मम्मी का एकदम रोना बंद ही नहीं हो रहा है। अब वो किसको दोस्त दे रही है किसको नहीं, आप लोग को भी देखने को मिल गया। हाँ, तो रहा सवाल लास्ट बात, तो आप लोग शायद जानते होंगे गुंजा को। गुंजा का बैग चोरी हो चुका है और उसमें मेरा कपड़ा भी था कुछ, खुद आप लोगों को मिलेगा देखने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।